तो गाइस 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 फाइनली यहाँ पर मेरी गेम के अंदर आ चुके हैं न्यू इंडोर कार, साथ साथ यहाँ पर मेरी गेम के अंदर आ चुका है न्यू मार्केट। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी का न्यू चीट कोड क्या है। एंड गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू इंडोर कार का न्यू चीट कोड बताने वाला हूँ, साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारी गेम के अंदर में न्यू मार्केट कब देखने को मिलेगा, साथ साथ हमारी गेम के अंदर में न्यू स्पाइडरमैन, साथ साथ न्यू आयरन मैन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, साथ साथ हमारी गेम के अंदर में कौन सी न्यू अपडेट देखने को मिलेगी, कौन से न्यू चीट कोड देखने को मिलेंगे, साथ साथ इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाले कि हमारी गेम के अंदर न्यू इंडोर कार को ऐड किया गया है, तो हमारी गेम के अंदर जो ओल्ड वाली इंडोर कार देखने को मिलती है उसे क्या हमारी गेम से रिमूव किया जाएगा या फिर हमारी गेम के अंदर में दो दो इंडोर कार देखने को मिलेगी। साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारी गेम के अंदर में कौन सी न्यू बाइक देखने को मिलेगी, साथ साथ हम सभी लोग अपनी गेम के अंदर बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर पाएंगे या फिर नहीं। रोहित सर ने इन सभी के अलावा भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सेंड करी है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस हमने अपनी मीत वाली वीडियो के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम मैंने यहाँ पर लेजेंड 2.0 रखा है, एंड आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि ये नाम कैसा है। एंड गाइस मैं आपको बता कि उस वाले चैनल पर कल ही शाम को मैंने न्यू वीडियो डाल दिया था, तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो उस वाली वीडियो को जरूर से देख लेना। एंड उस वाले चैनल पर आपको डेली वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी, दो दिन के अंदर एक एक वीडियो देखने को मिलेगी। एंड हमारी टैंडी बॉय वाली चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों ने हमारी तीनों के तीनों चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर नहीं। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि हमारे गेम के अंदर जो न्यू इंडोर कार को ऐड किया गया है उसका चीट कोड क्या रहने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर यहाँ पर अभी के टाइम पर यहाँ पर 20-20 डायल करोगे, यानी कि आप लोग जैसे यहाँ पर 20-20 डायल करोगे तो हमारी गेम के अंदर ये वाली न्यू इंडोर कार आ जाएगी। तो गाइस मैंने पिछले या फिर उससे अगली वाली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि हमारी गेम के अंदर जो ये वाली इंडोर कार है उसे हमारी गेम से रिमूव किया जा रहा है, एंड इसके अंदर हमें ये वाली न्यू कार देखने को मिलने वाली है। तो गाइस फाइनली हमारी गेम के अंदर ये वाली न्यू इंडोर कार को ऐड किया गया है, एंड अभी के टाइम पर हमारी गेम के अंदर जो ये वाली इंडोर कार है वो हमारी गेम के अंदर से जल्द ही रिमूव हो जाएगी, एंड न्यू अपडेट के अंदर हमें न्यू मॉडिफाइड इंडोर कार देखने को मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को न्यू इंडोर कार कैसी लगी है, यानी कि रोहित सर ने कल जो न्यू मॉडिफाइड इंडोर कार के पिक सेंड करे थे उसके अंदर से आपको इंडोर कार अच्छी लगी है या फिर नहीं। एंड गाइस मैं आपको देखिए हमारी गेम के अंदर सिर्फ इंडोर कार नहीं आ रही है, उसके अलावा रोहित सर ने एक छोटी सी गुड न्यूज दी है। तो गाइस आप लोगों ने कई सारे ड्रोन शॉट वाले वीडियो देखे होंगे और आप लोगों ने काफी सारी कमेंट करी थी कि हमारी गेम के अंदर जो कैरेक्टर का थर्ड पर्सन व्यू है उसे थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, उसके अंदर अलग अलग तरह के व्यू को एड किया जाए। तो गाइस रोहित सर ने यहाँ पर जो कार के पिक सेंड करे थे वहां पर आप लोग देख सकते जो कैरेक्टर का थर्ड पर्सन है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, एंड साथ से जो न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर हम लोग अपने कैरेक्टर को 360 देख पाएंगे, यानी कि हम सभी लोग अभी टाइम पर अपनी गेम के अंदर अपने कैरेक्टर को 360 देखना चाहते हैं तो उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम सभी लोग जब बाइक के ऊपर बैठते हैं तभी हम अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से देख पाते हैं, तो शायद से थर्ड पर्सन व्यू हमारी गेम के अंदर आने वाली इसी अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा, एंड उसके अंदर हम सभी लोग अपने कैरेक्टर को यहाँ पर 360 देख पाएंगे। तो आप लोग जल्दी इसी कमेंट के अंदर बताना कि आपको ये वाली गुड न्यूज कैसी लगी है। एंड गाइस मैं अपडेट आपको ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो कि जो थर्ड पर्सन का व्यू है उसे थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, एंड स्क्रीनशॉट के अंदर हमारा जो कैरेक्टर है वो अलग तरह से हमें देखने को मिल रहा है, तो साइज न्यू अपडेट के अंदर में ये वाली भी कमाल की अपडेट देखने को मिलेगी। एंड गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी गेम के अंदर में सिर्फ न्यू इंडोर कार देखने को मिलेगी या फिर इसके अलावा न्यू कार देखने को मिलेगी। तो गाइस जो इंडोर कार है वो ऑलरेडी हमारी गेम के अंदर है, तो ये न्यू कार तो नहीं है, बस इसे रिप्लेस करके हमारी गेम के अंदर एड किया जा रहा है। तो इसके अलावा हमारी गेम के अंदर एक और न्यू कार आएगी जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, एंड उसके अंदर हमें यहाँ पर न्यू जी-वैगन कार या फिर देखने को मिलेगी न्यू BMW i8 कार, बिकॉज इस वाली कार के बारे में रोहित सर ने ऑलरेडी हमें पहले भी बता रखा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग हमारी गेम के अंदर कौन सी न्यू कार को लेना चाहते हो। एंड गाइस अब हम बात करते हैं जो न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में न्यू आयरन मैन या फिर स्पाइडरमैन का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो गाइस आप लोगों को बता कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, एंड लिटरली आप लोगों ने काफी सारी कमेंट करी थी कि हमारी गेम के अंदर आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन दोनों के कैरेक्टर को ऐड करवाओ। तो गाइस दो दो कैरेक्टर तो हमारी गेम के अंदर कभी भी ऐड नहीं होगा, सिंपली एक ही कैरेक्टर ऐड होगा। एंड गाइस मुझे ज्यादा लगता है कि हमारी गेम के अंदर जो न्यू कैरेक्टर आएगा उसके अंदर हमें ना ही यहाँ पर स्पाइडरमैन या फिर ना ही यहाँ पर हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा, बिकॉज शायद अगर रोहित सर ये वाली चीज यूज करेंगे तो इसके ऊपर कॉपीराइट लग सकता है, बट अगर रोहित सर कुछ भी करके हमारे गेम के अंदर कमाल का कैरेक्टर ऐड कर देंगे, एंड शायद से आने वाले इस अपडेट के अंदर में न्यू कैरेक्टर का अपडेट देखने को मिल सकता है, बिकॉज हमारे गेम के अंदर कई सारे न्यू अपडेट आ चुके बट कैरेक्टर को चेंज नहीं किया गया, तो इस बार के अपडेट के अंदर में कैरेक्टर स्विच का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड गाइस इस वाले वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना कि आप लोग फाइनल कौन सा कैरेक्टर लेना चाहते हो, यानी कि आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन के अलावा कौन सा कैरेक्टर लेना चाहते हो वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट कर देना। एंड कई सारे लोगों ने यह भी कमेंट किया कि GTA 5 के माइकल कैरेक्टर को हमारे गेम के अंदर ऐड करवाओ, तो गाइस शायद से हमारे गेम के अंदर ऐसा भी कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, बट ये सब कुछ रोहित सर ही डिसाइड करेंगे। एंड रोहित सर जैसे न्यू अपडेट के हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले आकर आपको बता दूंगा। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि जो न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर हमें कौन सी न्यू बाइक देखने को मिल सकती है। तो गाइस जो न्यू बाइक आने वाली उसके अंदर हमें न्यू रॉकी बाइक देखने को मिल सकती है, बिकॉज हमारे गेम के अंदर जो न्यू रॉकी बाइक आने वाली थी हमें इसी वाली अपडेट के अंदर देखने को मिल जाती, बट तब हमारे गेम के अंदर उस वाली बाइक को ऐड नहीं किया गया था, तो शायद इस बार के अपडेट के अंदर हमें न्यू रॉकी बाइक देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है। एंड इसके अलावा अगर हमारे गेम के अंदर कोई बाइक आएगी तो वो हमें पुलिस बाइक देखने को मिलेगी, एंड पुलिस बाइक के अंदर हमें हार्ली डेविडसन ही बाइक देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी बाइक अभी तक कंफर्म नहीं हुई है,
एंड गाइस इसके अलावा भी एक और बाइक है जो यहाँ पर BMW की बाइक रहने वाली है, बट इसके अभी तक हाई चांसेस नहीं बने बट आ भी सकती है। एंड गाइस इसके अलावा हमारे गेम के अंदर कौन सी अपडेट आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जो इस बार यूनिट आएगी उसके अंदर RJ स्टोर के अंदर कुछ न्यू हाउस को एड किया जाएगा, साथ साथ हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम था उसे रिटर्न हमारे गेम के अंदर एड किया जाएगा, साथ साथ जो हमारा ओल्ड हाउस है उसे भी यहाँ पर RJ स्टोर के अंदर एड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे गेम के अंदर में जो बीच वाली लोकेशन देखने को मिलते हैं वहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। हमारे गेम के अंदर में जो जुरासिक पार्क देखने को मिलता है बिल्कुल उसी तरह से हमारे गेम के अंदर एक और न्यू पार्क की बात चल रही है, यानी कि हमारे गेम के अंदर में न्यू गार्डन देखने को मिलेगा या फिर हमारे गेम के अंदर कुछ और देखने को मिलेगा। बाकी तो गाइस मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास यही सारी कमाल की अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सेकंड चैनल एंड हमारी टैंडी बॉय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों के दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो जाओ एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड मिथ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो तो जाकर जरूर से देखना, बिकॉज उसके ऊपर मैं मेहनत करके डेली वीडियो लाने वाला हूँ, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस उस वाली चैनल पर जाकर वो वाली वीडियो के अंदर मस्त मस्त मिथ भी कमेंट कर देना, चाहो तो इस वाली वीडियो के नीचे भी मिथ कमेंट कर देना, मैं उस वाली चैनल पर आपके मिथ को जरूर से ट्राई करूंगा। एंड गाइस उस वाली चैनल पर कुछ अलग तरह का कंटेंट आएगा तो मजा बहुत ही आएगा। एंड गाइस टैंडी बॉय वाली चैनल पर शायद से आज मैंने कमाल की वीडियो डाली है तो जाकर जरूर से देख लेना। एंड उस वाली चैनल पर भी मुझे कुछ वीडियो आइडिया दे देना कमेंट के अंदर, ठीक है, तो मैं मस्त मस्त आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास बस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसी कमाल की अपडेट की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।